रीट परीक्षा मामले को लेकर बांदीकुई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। बांदीकुई एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बांदीकुई एसडीएम कार्यालय तक किया विरोध प्रदर्शन। बोले, रीट परीक्षा रद्द नहीं हुई तो प्रदेश भर में होगा आंदोलन। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के विरोध में भाजपा विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के पाँचों मंडलों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बांदीकुई एसडीएम नीरज मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद भी रीट परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। एक बड़ा तबका रीट परीक्षा घोटाले में शामिल है। बेरोजगारों के साथ हुए अन्याय पर गहलोत सरकार मौन है। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस चीज के लिए सरकार को आगाह कर रही थी, उनकी आंखें खोलने का प्रयास कर रही थी। रीट परीक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और सरकार ये मानने से इनकार कर रही थी कि कोई घोटाला नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो सरकार ने जांच कराई और जांच करने वाली भी सरकार की खुद की एजेंसी थी, कोई भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी नहीं थी, सरकार की खुद की एजेंसी ने यह माना है कि रीट में भारी तादाद में बहुत बड़ी उसमें गफलत हुई है। पेपर 15-15 लाख में बिका है और अभी जो चेयरमैन साहब, जो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के चेयरमैन साहब थे, उनको जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि 135 से ऊपर 70,000 स्टूडेंट है, 150 में से 135 का मतलब होता है 90%, यानी कि 170,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 90% से ऊपर है। वो निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है और बेरोजगार जो बेचारे कमरा लेकर के जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, जो जिनके माँ बाप कर्जा लेकर के उनको वहाँ तैयारी करा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बहुत समय उनका तैयारी करने में बीत गया, उनके साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस चीज़ की मांग कर रही थी और इस मांग को लेकर के कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जयपुर में एक धरना प्रदर्शन किया गया था। वो शांतिपूर्ण धरना था। सरकार ने उस धरने को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और खुद की चोरी को छुपाने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और अमानवीय ढंग से वो लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे परम सम्मानीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के साथ में कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हाथ पैरों में चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं। हम इसकी पुरजोर तरीके से इसकी भर्त्सना करते हैं। हम आलोचना करते हैं गहलोत सरकार की कि इस तरीके से गंदी हरकतें, फर्जीवाड़ा आप इस तरीके से दबा करके उसका दमन नहीं कर सकते। भर्ती पर भीट जो आपका रीट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम उसका सीबीआई जांच कराना चाहते हैं और इन प्रमुख मांगों को लेकर के सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कल जिन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की उनको उचित दंड मिले। इन सभी मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पांचों मंडलों के द्वारा और ये जो भर्ती परीक्षा ये रद्द हो, ये हमारी एक प्रमुख मांग है, ये रोक लगे इस पर, ये रद्द हो और पांचों मंडलों के द्वारा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के द्वारा आज सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पधारे और उनकी उपस्थिति में आज हमने ये ज्ञापन किया।